शंकर बिटवा के शरीर में तो जहर घुल गया और जहर केवल एक इच्छाधारी नागिन ही निकाल सकती है। तो जाओ जाके सपेरों को लेके आओ, जाओ जल्दी। क्या करें अब? कैसे बचाएं शंकर जी को? अब उस इच्छाधारी नागिन को सामने आना ही पड़ेगा। देखिए हालात बहुत ही गंभीर है, जल्दी से जल्दी इच्छाधारी नागिन को बुलाना होगा, काहे कि वही शंकर बाबू का जहर निकाल सकती है। तो शुरू कीजिए आप। इच्छाधारी नागिन, धन्यवाद आपका प्रभु, अब शंकर बिटवा की जान बच जाएगी। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हो गया मेरा इस इच्छाधारी नागिन से आमना सामना। शंकर बचे ना बचे, आज नागमणि मेरी जरूर होगी। नागिन ने सारा जहर निकाल दिया, शंकर बाबू की जान बच गई। देखिए ना, वो ठीक है। ए गगन, उठाओ इसे, आओ कमरे में ले चलो। Ah!
ये साथ दिया तो हम अभी शंकर को बचा पाए। हमें सही टाइम पे नागिन रूप देने के लिए आपका बहुत 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 बड़ा वाला थैंकू। नागिन ने कुछ कहा? वो मेरी नाग कहना चाह रही थी कि तुमने उस इच्छाधारी नागिन को देखा क्या जिसने शंकर की जान बचाई है? बच गए। हमें लगा इन्होंने हमें रूप बदलते हुए देख लिया। देख तो लिया, और अब मैं तुम्हें तब तक नहीं भूलूंगी जब तक नागमणि मेरी ना हो जाए। अब हमको हमको तो नहीं पता नागिन कहाँ है, हमें नहीं मिली। हाँ, उस तरफ गई होगी शायद, हो सकता है, पर वो तो यही है इसी घर में। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि वो इच्छाधारी नागिन मेरे दिल के बहुत करीब है। उसने इस घर के चिराग की जान बचाई है, हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल के बहुत करीब हो चुकी है। अच्छा, हाँ, किसी की इज्जत करना तो अच्छी बात होती है ना। क्या हुआ, नजरें क्यों चुरा रही हो? क्योंकि आप नजरें हटा ही नहीं रही है।